जस्टिस टीएस ठाकुर साहब जिस समय जो चीफ जस्टिस थे पहले, इनसे पहले और उससे पहले भी ये बातें मुख्य न्यायाधीश किसी ने तो जस्टिस टीएस ठाकुर साहब ने तो अपने पद पर रहते हुए भी उठाई, बाकी और भी जो पूर्व जजेस रहे उन्होंने रिटायरमेंट के बाद ये बात उठाई कि हम पे दबाव रहता है, हम भी दबाव में काम करते हैं। तो ये बहुत दुखद स्थिति है कि हमारी जो सर्वोच्च न्यायपालिका है जी, वो भी दबाव में काम करती है। तो दबाव किसका हो सकता है? दबाव आपका या मेरा तो नहीं हो सकता जी। दबाव साधारण जनता आम आदमी का तो है नहीं। दबाव अगर होगा तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार का होगा, और आज वही स्थिति है। तो इसका मतलब ये है कि केंद्र की सरकार का यहाँ हस्तक्षेप है, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका स्वतंत्र है जी जी। और अगर ये सारी चीजें निकल के आ रही हैं तो साफ हो जाता है कि केंद्र का हस्तक्षेप है, और अगर केंद्र सरकार का हस्तक्षेप न्यायपालिका में होता है तो इससे बड़ी दुखद और गंभीर घटना कोई नहीं हो सकती। इसे जितनी जल्दी सुलझाया जाए उतना अच्छा है।